हेलो फ्रेंड्स, बोनसाई प्लांट नर्सरी डॉट कॉम के ऑफिशियल चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि किसी भी प्लांट को हम किसी पॉट से निकालते समय क्या सावधानी बरतें। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी हम एक गमले से निकाल के पौधा दूसरे गमले में लगाते हैं तो कुछ ही दिनों बाद देखते हैं कि पौधा सूख गया या मर गया। ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि पौधे को गमले से निकालते समय हम वो सावधानी नहीं बरत पाते हैं जो हमें बरतनी चाहिए। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि जब भी किसी पौधे को गमले से बाहर निकालना है किसी भी रीज़न से, रिपोर्टिंग करने के लिए या ज़मीन में लगाने के लिए, तो उस समय क्या सावधानी बरतें। इसके लिए कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको सभी को पता होंगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये होती है कि जब भी हम कोई पौधा निकालते हैं गमले से तो इसकी जो मिट्टी है ये हमेशा एकदम गीली रहनी चाहिए। आपको जब भी पौधा गमले से बाहर निकालना हो तो इसकी मिट्टी को एकदम, जैसे इतना है तो हम ये पूरा पानी भर देंगे और पूरा पानी नीचे से ड्रेन हो जाने देंगे। अभी बारिश हो रही तो मैंने पानी नहीं भरा है, ताकि ये पूरी मिट्टी एकदम गीली हो जाए और इसको हम बहुत आसानी से निकाल सके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बिना मिट्टी को गीला करे कभी भी पौधे को निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ क्या करनी है फ्रेंड्स, जो भी हमारे पास टूल्स हैं उनको लेके पहले किनारे किनारे इसके देखिए हम ऐसे ऐसे कर लेंगे। ऐसे साइड से इसको बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैसा कि मैंने आपसे बताया था, अब इसकी मैंने किनारे किनारे मिट्टी से ऐसे खुदाई कर ली है। ठीक है, अब इसको हमें इस पौधे को, यह हरिमन 99 समर जोन एप्पल का पौधा है, इस बड़े गमले से हमको बाहर निकालना है क्योंकि इसको हमें ज़मीन में लगाना है या हमें कहीं भेजना है। तो इसको अब निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि एक व्यक्ति ये गमला ऐसे पकड़े और दूसरा आदमी इसको ऐसे निकाल ले बाहर, लेकिन ये तरीका कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि इसके रूट्स के डैमेज होने का खतरा रहता है। चूँकि ये पूरा हैवी है और इसको आप ऊपर खींचोगे तो इसके रूट्स टूट सकते हैं, तो ये तरीका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम इस गमले को धीरे से गिरा देंगे और तब इसको आहिस्ता आहिस्ता निकाल लेंगे। लेकिन गमले को गिराने के पहले ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर ये पूरी तरीके से मिट्टी हमारी छूट चुकी हो। अगर ये नहीं छूटी हुई है, ये चीज़ कैसे चेक करेंगे कि ये छूटी है कि नहीं छूटी है, इसके लिए हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके किनारे किनारे डाल देंगे और हमें पता चल जाएगा। दिखाते पानी डाल के। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पानी डाल के चेक करते हैं कि ये हमारा ठीक तरीके से छूट गया है या नहीं। ऐसे ऐसे हम साइड में इसके बहुत अच्छे से पानी डाल देंगे। और ये पानी सारा का सारा हमारा नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाना चाहिए। कुछ देर वेट करेंगे पानी को निकलने का। इसको आप और गहराई तक डाल के देख सकते हैं ताकि ये आराम से निकल जाए। इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से काम करना है ताकि आपके रूट्स डैमेज ना हो। देखिए जहाँ जहाँ टाइट होगा आपको फील हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब 10 मिनट बीत चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सारा पानी हमारा नीचे से निकल गया। अब हम इसको बहुत सावधानी से गिरा करके इस पौधे को इस गमले से बाहर निकालेंगे। इसके लिए हमें हेल्प की भी ज़रूरत होगी, तो कम से कम दो लोग आपके पास होने चाहिए इस काम को करने के लिए। आइए इसको गिराते हैं बहुत आहिस्ता से। ये देखिए ऐसे, इसको हम थोड़ा सा ऐसे घुमाने की कोशिश करते हैं। अभी भी ये बहुत तेजी से चिपका हुआ है। किनारे से इसको थोड़ा सा ठोकर मार रहे हैं हाथ से, देखिए इस तरीके से, ताकि मिट्टी ये छोंक जाए। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं, इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता हिला करके खींच के हमने इसको ऐसे निकाल लिया है। ये देखिए यहाँ से अब ये पूरा गमले से इसके रूट्स ने छोंक दिया है। ये देखिए
अब इसको बाहर निकालना सेफ है। अगर इसको हिलाते समय, ये समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, अगर इसको हिलाते समय आपको लग रहा है कि नहीं रूट छोड़ रहे हैं तो आप ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। आप आराम से अपना टूल लीजिए और इसको किनारे किनारे गहराई तक की डाल के इसको छुटाइए। ये नहीं कि आपने इसको खूब कस के हिला दिया यहाँ से, क्योंकि अगर आपने इसको यहाँ से हिलाया तो उसी जगह से उसके रूट्स के डैमेज होने के चांसेस शुरू हो जाते हैं। बहुत आहिस्ता से इसको ऐसे करके, ये देखिए, ये देखिए आगे बार, अब इसको हम बाहर ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी वाइट रूट्स कितना ज़्यादा फैली हुई है। ये अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक ऑर्गेनिक बॉम्ब वाला वीडियो दिखाया था फर्टिलाइजर का, ये उसी का कमाल है कि महीने भर में ही इसकी इतनी सारी वाइट रूट जनरेट हो गई हैं। और आप देखिए इसकी पत्तियाँ भी कितनी अच्छी सी हेल्दी दिख रही हैं। अगर आपने ऑर्गेनिक बॉम्ब वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप समझ पाएंगे कि ये क्या पूरा प्रोसेस होता है, कि वाइट रूट कैसे जनरेट होती हैं और पौधे की हेल्थ का उस पर क्या इफेक्ट होता है। खैर, अब हमारा पौधा जो है गमले से बाहर निकल आया।